प्रशासन गांवों के संघ व महंगाई राहत शिविर में पंजीयन में साइला समिति की थलवाड़ पंचायत रही प्रथम। साइला उम्मीदाबाद जीवाणा व पांथेड़ी में हुआ स्थायी शिविर का शुभारंभ। साइलापुर क्षेत्र के थलवाड़ ग्राम पंचायत में दो दिवसीय अस्थायी प्रशासन गांवों के संघ व महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ शिविर प्रभारी सूरजभान विश्नोई, तहसीलदार कौशल्या जांगीर, विकास अधिकारी मनमोहन मीणा, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पन्ने सिंह पोषणा, शैतान सिंह धनानी, थलवाड़ सरपंच प्रतिनिधि करण सिंह मेड़तिया व मंगल सिंह तोरा ने माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व फीता काटकर शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। शिविर प्रभारी विश्नोई ने राहत शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान 22 विभागों के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। शिविर कैंप में सोमवार को जिले की प्रथम रजिस्ट्रेशन में साइला पंचायत समिति की थलवाड़ ग्राम पंचायत प्रथम रही, जिसमें सरकार की 10 योजनाओं को लेकर 1937 रजिस्ट्रेशन किए गए। इसी प्रकार स्थायी कैंप साइला में 846, उम्मीदाबाद में 1172, पांथेड़ी में 519 एवं जीवाणा ग्राम पंचायत में 356 लोगों का योजनाओं में रजिस्ट्रेशन किया गया। इस दौरान उप तहसीलदार महेश दवे, BDO मनमोहन मीणा, विद्युत विभाग के गोपाल राम, BCMO रघुनंदन विश्नोई मौजूद रहे। इसी तरह उपखंड साइला पर सोमवार को राजस्थान सरकार की ओर से शुरू किए महंगाई राहत कैंप का पंचायत समिति परिसर में शुभारंभ किया गया। इस दौरान SDM सूरजभान विश्नोई, पंचायत समिति सदस्य जबर सिंह चौहान, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सवाई सिंह, विकास अधिकारी मनमोहन मीणा की मौजूदगी में शुभारंभ किया गया। इस दौरान लोगों को हाथों हाथ राहत प्रदान को लेकर रजिस्ट्रेशन किया गया। BPO जो है जन आधार में अपडेट, BPO को जन आधार में अपडेट करवा लो। आप अटी रहे हो तीन दिन में जन आधार को अपडेट करवा दे, कोई रिपोर्ट मेरे सामने पेश करें। ठीक है। जैसे कि पीड़बुड़ी की स्कीम क्या क्या है वो एक बार आप देख लो, कोई स्कीम आपकी है कि नहीं है। दूसरी आसपास की सड़कों की क्या स्थिति वो उसमें लिख दो, कितनी कौन सी आपकी ग्रामीण सड़क है, कौन सा स्टेट आई है, दूसरी क्या स्थिति है, आपके अगर में जो सड़कें हैं उनकी क्या कंडीशन है, कितने साल पुरानी बनी हुई है, मरम्मत भी होगी है कि नहीं है, मरम्मत का पीरियड बीत गया कि नहीं बीत गया, वो भी सारी की सारी। जनता को अपन क्या आज राहत प्रदान करेंगे वो सारा अपन को बताना है, इजी तरीके से बताना है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज जो हमारा राहत कैंप जो लगा है महंगाई राहत कैंप, इसमें सरकार के द्वारा जो संचालित 10 योजनाएं हैं उन्होंने राहत प्रदान की जा रही है नागरिकों को, और इनमें आगे होकर के किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, लिहाजा जो वो कागजात ले आएंगे उन कागजात के आधार पर ही इनका उनका इलाका पूर कर दिया जाएगा और इनको उन सारी योजनाओं में लाभ मिलेगा। इसी तरह से प्रशासन गाँव के संघ अभियान में भी हमको प्रोएक्टिव होकर के ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ कैसे दिया जा सकता है उस तरह से अपने को काम करना है। इसमें जो अपने पास अभी डाटा आता है उस किसी भी सूरत में परेशान ना करना, ये विशेष ध्यान रखना।